डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, यानी हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपको याद होगा कि जो चैप्टर 7 है, जो 7.1 है, उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो तीन गिवन है, ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स, आपको याद होगा कि अगर थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन, ठीक है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इफ थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन, तो यही होता है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर मौजूद हो, इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने क्या करना है। अब देखिए, आपके पास ये तीन पॉइंट्स हैं, और फिर देखिए अगर आपके पास थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीन पॉइंट्स ए बी सी हैं। अब देखिए, ए से बी तक का डिस्टेंस डी है जैसे, और बी से सी तक का डिस्टेंस डी है, और फिर टोटल देखिए आपके पास ए से सी तक का डिस्टेंस डी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस ए से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ए से बी, जैसे आपके पास 4 है और बी से सी आपके पास 5 है, तो टोटल देखिए आपके पास जो क्या होगा, जो ए से सी है वो आपके पास क्या होगा, 9 होगा। 4 प्लस 5 9 होना चाहिए। तो ये होता है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर मौजूद हों, इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और चेक ये कैसे करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि आपके ये तीन पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 एंड 3 4। अब हमें ये चेक करना है कि आया ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, अब हमने इनको क्या किया है कि लेट ए बी एंड सी, जो इनको नाम दे दिए, बी द थ्री पॉइंट्स। पहले हमने सपोज कर लिया कि तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, और फिर देखिए, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल ए सी का डिस्टेंस। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया पॉइंट्स ए बी सी। तो देखिए, ये पॉइंट ए आपके पास है, देखें ये पॉइंट ए आपके पास है 0.1, ये पॉइंट बी है 2.3, और पॉइंट सी आपके पास है 3.4। अब पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी तक का, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले हमने 4ab यानी ए से बी तक का डिस्टेंस। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.1, ये हो गया x1.y1, जो पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है। दूसरा पॉइंट बी आपके पास आ गया 2.3, आपके पास x2.y2 आ गया। अब जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देखें x2 - x1 2 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 0 देखिए आपके पास आ जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 आ गया। ठीक है, और फिर ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, तो ये आपके पास ए बी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब हमने निकालना है बी सी का डिस्टेंस, बी सी। अब देखिए, पहले बी आ रहा है, ठीक है, तो ए बी का देखिए जो डिस्टेंस आपके पास आ गया है वो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए बी सी का डिस्टेंस, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी के x2 y2। अब बी सी इज इक्वल टू x2 3 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 4 - 3 1 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए बी सी आपके पास आ गया √2, देखिए बी सी हमारे पास आ जाएगा √2 आ गया।
अब हमने टोटल जो है ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए से सी तक का। अब देखिए ए हमारे पास है, देखें x1 y1, और सी हमारे पास x2 y2। जब हमने ए सी का डिस्टेंस निकाला, देखें x2 - x1 3 - 0, और फिर y2 - y1 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये भी 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 9 + 9 18 आ गया। 18 को हम लिख सकते हैं 9 * 2, 9 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 3। तो जो ए सी है, जो टोटल डिस्टेंस देखिए ए से सी तक का, देखिए जो ए से सी तक का, देखिए जो टोटल डिस्टेंस है ए से सी तक का, तो हमारे पास कितना आ गया, देखें 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है, तो आ गया 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो अब हम देखें यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए आपको याद है, ये इक्वेशन 1 थी कि वी नो दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब ए बी 2 स्क्वायर रूट 2 है, बी सी 2 स्क्वायर रूट 2 है, और ए सी 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 देखिए जैसे आपके पास लिखा हो, देखिए जैसे हम लिखते हैं कि x + 2x + x, तो यहाँ पर 3x आ जाता है। इसी तरह देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 और +√2, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 2, और राइट साइड भी देखिए 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो देखिए ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर आ गया ए सी के डिस्टेंस के, इसका मतलब ये आ गया कि हेंस द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, अब देखिए हमें ये प्रूव ये करना है, देखें अब देखिए हमें ये प्रूव ये करना है, अब देखिए जो हमें प्रूव करना, देखें कि सेकंड पार्ट है कि -5 -4 1,0 एंड 6,7, ठीक है। अब हमें यह चेक करना है कि आया ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट ए -5, -4, B 1,0 एंड C 6,7 बी द 3 पॉइंट्स, ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिया, ठीक है। और आपको याद होगा कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन क्या होता है, देखें ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। अब हमने देखिए 3 पॉइंट्स ले लिए, देखिए जो पहला पॉइंट ए आपके पास है वो -5,4 है, तो ये -5,4 देखिए ये आपके पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो देखिए ये आपके पास आ गया पॉइंट ए आपके पास आ गया, ठीक है, -5,4। बी देखिए आपके पास 1,0, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो पॉइंट सी है 6,7, एक्स देखिए 6 है वाई 7 है, तो ये आपका पॉइंट सी आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, अब देखिए ये भी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन है, ठीक है। तो देखिए पहले हम फाइंड कर लेंगे ए बी, ठीक है, पहले फॉर ए बी, तो ए बी देखिए हमने फॉर ए बी, अब देखिए ए हमारे पास यहाँ पर हेयर लिख सकते हैं कि हेयर ए आपके पास देखिए -5,-4 है, तो ये हो जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है 1,0, ये x2 y2, ठीक है। अब हमने देखे जब डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, x2 आपके पास 1 है, ये माइनस फार्मूले का, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का, और फिर x1 -5 होल स्क्वायर, फिर y2 देखिए आपका 0 है, फिर -y1 -4, तो ये 1 आ गया, -5 + 5 आ जाएगा 0, और ये -5 + 4 1 + 5 6 का स्क्वायर,
और ये 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, देखिए 36 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 प्लस 16 आ जाएगा 52, ठीक है। तो 52 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो 4 का स्क्वायर रूट देखिए 2 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 13, ये वापस आ गया ए बी। अब हम निकालेंगे फॉर बी सी, ठीक है, ए बी देखिए वापस आ गया 2 स्क्वायर रूट 13, ये वापस आ गया ए बी। अच्छा अब देखिए हम निकालेंगे बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1, सी को हो गया x2 y2, तो बी सी देखिए वहाँ पर x2 6 है, x1 है 1 का होल स्क्वायर, y2 7 है, y1 है 0, तो 6 माइनस 1 आ गया 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 7, 7 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 25 प्लस 49 हो गया 74, तो बी सी देखिए आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 74, और 74 के देखिए हम जब फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 37, तो कोई वैल्यू बाहर नहीं आती, ठीक है, यानी 30 जो 74 है इसमें कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये बी सी आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ए सी, अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 5 -5 -4, x1 y1, और सी के हमारे पास है 6 7 x2 y2, देखिए जब हम ए सी निकालेंगे x2 6 आ गया, फिर -5 मूलेगा x1 -5 होल स्क्वायर, फिर y2 7 है, फिर माइनस और y1 -4, तो ये -5 प्लस 4 हो जाएगा, ये भी -5 प्लस 5 हो जाएगा, 6 प्लस 5 आ जाएगा 11 का 11, और ये 11 का स्क्वायर, और 7 प्लस 4 भी 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 121 प्लस 121 जो जाएगा 242, तो 242 को आप लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 11 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ए सी देखिए हमारे पास आ गया 11 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन 1 आपके पास ये है, ठीक है, वी नो दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी देखे 2 स्क्वायर रूट 13 है, बी सी स्क्वायर रूट 74, और ए सी 11 स्क्वायर रूट 2 है, तो अब देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 11 11 बाय स्क्वायर रूट 2 वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है ना, अब ये 2 स्क्वायर रूट 13 है, इन वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है, तो जब वैल्यूज डिफरेंट आएंगी तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो ये पॉइंट्स आएंगे नॉट नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए इसका पार्ट 4 है, अब पॉइंट्स आपके पास है 6,3 14,7 एंड -6,-3, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि आया ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। हमने सपोज कर लिया कि लेट पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये पॉइंट सी ले लिया, बी द 3 पॉइंट्स, हमने 3 पॉइंट्स सपोज कर लिए। अब देखिए पहला पॉइंट ए जो आपके पास आएगा, तो पहला पॉइंट डायग्राम बनाएंगे, पहला पॉइंट देखिए एक्स आपके पास 6 है y 3 है, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 6,3, दूसरा पॉइंट 14,7 है, x 14 है और y 7, भी आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा पॉइंट सी आपके पास आ जाएगा, देखिए x-6 है, y-3 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये पॉइंट सी आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स क्लीनियर हैं, तो इसका मतलब ये है कि सी ए से वी नो दैट इफ पॉइंट्स आर क्लीनियर, यानी सी ए का डिस्टेंस, देखिए सी ए का डिस्टेंस, फिर प्लस ए बी का डिस्टेंस, देखिए ना अब ये पॉइंट सी है, ए बी का डिस्टेंस ये बराबर आ जाएगा सी बी का डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, देखिए पहले हमने सी ए निकालना है, ठीक है, सी से ए तक का डिस्टेंस, तो सी देखिए आपके पास सी से ए तक का डिस्टेंस, सी आपके पास x1 y1 है -6 -3, ए हमारे पास है 6,3 x2, पहले जो पहला लेटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 होते हैं, और दूसरे लेटर के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो जब हमने सी ए निकाला, x2 6 है, फिर -x1 -6 है,
प्लस वाई टू 3 है, वाई वन -3 है, तो ये 6, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 3, ये भी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, और 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर देखे 144 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 144 प्लस 36 180, 180 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, देखिए ये फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5, यानी 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा, तो सी ए देखिए हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ये आ गया सी ए। अब हम निकालेंगे 4 ए बी, अब के बी की वैल्यू, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आ गए, बी के x2 y2 आ गए। अब मोड ए बी यानी ए से बी तक का डिस्टेंस x2 14 है, -x1 है 6, y2 7 है, -y1 है 3, तो 14 -6 आपके पास 8 आ जाएगा, 7 -3 आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 80, और 80 को हम 16 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम 4 सी बी, सी से बी तक ये टोटल डिस्टेंस, जो सी से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये, ठीक है, सी से बी तक का टोटल डिस्टेंस, अब जब हम सी से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, बी के हो गए x2 y2, अब ये सी बी इज इक्वल टू x2 14 है, -x1 है -6 का होल स्क्वायर, फिर y2 7 है, माइनस ये फार्मूले का, फिर y2 -3 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3, 14 प्लस 6 आ गया 20, और 7 प्लस 3 आ गया 10, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, और 10 का स्क्वायर आ गया 100, तो 400 प्लस 100 आ गया 500, 500 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी ए बी एंड सी बी इन इक्वेशन 1, आपको बताया था अगर पॉइंट्स क्लीनियर होंगे तो ये कंडीशन होगी। अब सी ए हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 है, ए बी हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5 है, और सी बी के जो डिस्टेंस है वो 10 स्क्वायर रूट 5 है। अब देखिए आपके पास 6 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5, और राइट हैंड साइड भी 10 स्क्वायर रूट 5 है, और दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो आप देखते हैं हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अब इसका पार्ट 6 है, ठीक है। अब पार्ट 6 आपके पास ये है कि 1, -2, 7, 8 एंड -2, -7, ये अब हमने चेक करना है कि आया ये कोलिनियर है या नहीं, नहीं एक लाइन के ऊपर मौजूद है या नहीं है। तो अब हमने देखा डिस्टेंस निकाला, पहले इनको पॉइंट्स का नाम दे दिया कि लेट ए बी एंड सी बी द 3 पॉइंट्स। अब डायग्राम बने, देखिए जो पहला पॉइंट ए आपके पास है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, -2। दूसरा पॉइंट बी है 7, 8, तो देखिए x 7 है और b 8 है, y 8 है, तो ये आपका पॉइंट बी आ गया 7, 8। और थर्ड पॉइंट सी है -2, -7, यानी एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव -2, -7। अब क्योंकि हमें चेक करना है कि आया ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो वी नो दैट इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन, आपको पता है कि देखिए सी ए सी से ए तक का डिस्टेंस, फिर ए से बी तक का डिस्टेंस, और फिर टोटल सी से बी तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, √x2 - x1 + y2 - y1। अब पहले हम फाइंड कर लेंगे सी ए, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, और ए के हो गए x2 y2, क्योंकि पहले सी है ए बाद में, तो सी ए x2 देखें, x2 1 है, x1 है माइनस, और ये -2, और y2 -2 है, फिर माइनस, और y1 -7 है, ठीक है।
ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 -माइनस प्लस 7, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 2 का 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √34, तो ये आपके पास आ जाएगा C A। ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉर बी ए, फॉर ए बी सॉरी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 1, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स 7, 8 हो गए x2 y2। जब ए बी निकालेंगे, x2 7 है -x1 है 1, फिर y2 8 है, फिर -y1 है -2, तो 7 में से 1 गया 6, 8, और ये -2 ये हो जाएगा आपके पास 10। तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, फिर आ गया 136। 136 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 34। देखे ना, अगर हम फैक्टर बनाएंगे, 2 6 12, 8 यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 4 8, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 4 का स्क्वायर रूट देखे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स, ये आपके पास ए बी आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस सी से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, बी के हो गए x2 y2। तो अब देखें, x2 हमारे पास 7 है, x1 माइनस फार्मूले का x1 है -2, फिर y2 हमारे पास 8 है, फिर ये -y1 -7। ठीक है, तो ये -5 प्लस 2 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81, और ये -5 प्लस हो जाएगा 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 25 15, और 15 का स्क्वायर 225, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 प्लस 225, 306। 306 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 34, जब हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, देखिए 3 3 स्क्वायर रूट 34। तो अब जब हम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, CA + AB = CB, तो CA√34 है, AB भी 2√34 है, और CB 3√34 है। अब देखिए, ये आपके पास आ जाएगा √34 + 2√34, ये आ गया 3√34, और ये राइट साइड भी आ गई 3√34। देखिए, तीनों दोनों साइड्स क्या आ गई, सेम आ गई हैं। अब हम यहाँ लिख लेंगे हैंस द गिवन गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे फॉर्मूला यूज करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आर। अब हमें ये चेक करना है कि आया ये जो है, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस हैं या नहीं किसके, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होगा कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स क्या हो, सेम है। देखिए, ये देखें, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड सेम हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर टू पी ए और बी सी इज इक्वल टू पी ए। कोई से अगर दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होगा, जैसे पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसमें दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। और फिर आपके पास है स्केलियन ट्राइंगल। तो स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें तीनों साइडें डिफरेंट हो, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी
और नॉट इक्वल टू सी ए, ये होता है स्केल एंड ट्राइंगल। अब देखिए इसका जो पार्ट वन है, अब ये पॉइंट्स हमें दे रहे हैं 2.3, पहला पॉइंट है 2.3, दूसरा 5.3 और तीसरा है 2.1 है। तो हमने पहले इनको नाम दे दिया कि लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें नहीं पता कि ये ट्राइंगल कौन सी है, तो हमने इनको नाम दे दिया वर्टिसेस का, ठीक है। अब हमने डायग्राम बनानी है। देखें, अब पहला पॉइंट ए है 2.3, यानी एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 है, तो ये पॉइंट ए आपके पास आ गया। फिर पॉइंट बी है 5.3, देखिए एक्स आपके पास 5 है, देखें, और वाई आपके पास 3 है, तो ये पॉइंट बी आपके पास आ गया। और सी आपके पास 2.1, एक्स 2 है, वाई 1 है, तो ये पॉइंट सी आ जाएगा। वैसे देखिए देखने में पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मगर अब हम डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या, फॉर लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी, हमने लेंथ के लिए ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो पहले स्टेप में हम फाइंड कर लेंगे ए बी, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन 2.3, और बी 5.3 हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अब देखिए ए बी, एक्स टू आपके पास 5 है, माइनस एक्स वन आपके पास 2 है, फिर वाई टू आपके पास 3 है, वाई वन 3 है, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर 0 होता है। अब 3 का स्क्वायर आपके पास देखिए 9 आ गया, तो अब 9 का स्क्वायर रूट आपको देखिए 3 आ गया, तो ए बी देखिए आपके पास आ गया है 3 यूनिट्स। अब हमने निकालना है बी सी। अब बी के कोऑर्डिनेट देखिए, बी आ गया 5.3 एक्स वन वाई वन, और सी 2.1 एक्स 2.y2। तो बी सी देखिए जब हम निकालेंगे, एक्स टू 2 है, एक्स वन आपके पास है 5, फिर वाई टू 1 है, फिर माइनस वाई वन है 3, तो 2 माइनस 5 आ जाएगा -3, और 1 माइनस 3 -2, -3 का स्क्वायर 9, और -2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 आपके पास आ गया, बी सी आ गया स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, ये वहाँ पास आ गया डी। अब फॉर सी ए, अब सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वन वाई वन है 2.1, और ए 2.3 एक्स 2.y2। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, देखें एक्स 2 आपके पास 2 है, फिर माइनस एक्स 1 भी आपके पास 2 है, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, फिर वाई 2 आपके पास 3 है, वाई 1 1 है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ गया 2, तो सी ए देखिए हमारे पास आ गया है 2 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने ए बी भी देखे, ए बी देखिए हमारे पास 3 आया है, ठीक है, बी सी हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आ गया, और सी हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए आपको पता है इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी सी है, बेस आपके पास ए बी है, परपेंडिकुलर आपके पास सी ए है, तो बी सी स्क्वायर रूट देखे, बी सी है स्क्वायर रूट 13, ए बी 3 है और सी ए 2 है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 13 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, कि ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। अब हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको याद है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्राइंगल के अगर हम तमाम साइड्स का सम निकालेंगे तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर देखिए आपके पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी देखिए 3 है, बी सी 2 है, सी ए स्क्वायर रूट 13 है, तो ये 3 + 2 आ जाएगा 5 + √13, तो यह आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखे 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 पॉइंट्स हैं, 0 0 1 कॉमा स्क्वायर रूट 3 एंड 2.1। तो पहले हमने इनको नाम दे दिए, देखें ये पहले वर्टेक्स ए आ गया 0 0, वर्टेक्स बी 1 कॉमा स्क्वायर रूट 3, और वर्टेक्स सी 2.0, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने लेंथ के लिए फॉर फॉर द लेंथ
बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और पहले देखिए हम यहाँ डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए जो पहला वर्टेक्स ए 0 0 ये ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स बी देखिए आ रहा है 1, √3। एक्स देखिए जैसे मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ और एक्स देखिए यहाँ पे 1 है और वाई आपके पास √3 है, तो यहाँ देखिए बी आ गया 1, √3। और वर्टेक्स सी आपके पास 2, 0, तो एक्स देखिए 2 है प्लस का और वाई 0, तो एक्स एक्स में वाई 0 होता है, तो ये वर्टेक्स सी, तो ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब हमने यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि √x2 − x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करेंगे फॉर बी सी। अब देखें ए हो जाएगा आपके पास 0, 0x1 y1, बी हो जाएगा 1, √3 x2, y2। तो ए बी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे x2 1 है −x1 0 होल स्क्वायर, फिर y2 √3 है −y1 0 है होल स्क्वायर, 1 − 0 1 आ जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये √3, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 1 + 3 = 4 और 4 का √2 यूनिट्स आ गया ए बी। अब हम बी सी निकालेंगे। अब बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास देखिए आगे 1, √3 x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स 2, 0x2 y2, ठीक है। तो अब देखिए अब जब डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, देखिए x2 2 है, x1 1 है, 2 − 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 0 है −y1 √3 है, तो 0 − √3 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, 1 का square 1 और 0 − 3 √-3, तो ये 1 का square 1 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा प्लस। देखिए ये आपके पास आ गया 1 + 3 √4, √4 का square root आ जाएगा 2, तो बी सी आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब देखें फॉर सी ए, सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए आपके पास x1 y1 और ए के x2 y2, तो सी ये देखिए x2 हमारे पास 0 है, तो x1 है 2, तो 0 − 2, फिर y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 − 2 − 2 − 2 का square 4 हो जाएगा, 4 का square root 2, तो सी ए भी देखिए हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स। अब देखिए दोनों सेंस, अब देखिए तीनों साइड बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये सब आ रहे हैं 2 यूनिट्स, तो हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी तीनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, लेकिन ये भी आपके पास ये भी 2 आ रही है, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रही है, ठीक है। अब हम इसका निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। अब ऑल्सो पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस, ए बी भी 2 है, बी सी भी 2 है, सी ए भी 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। अब देखिए पार्ट 3 आपके पास है कि अब ये पॉइंट्स है 0, 1, 8, 4 एंड 0, 8। अब हमें ये चेक करना है ये पॉइंट्स कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं। अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि देखिए ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी, ये तीनों वर्टेसेस को हमने ए बी सी का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाई, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स ए है 0, 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया, ठीक है, 0 x है 0 और वाई है 1। उसका देखिए वर्टेक्स बी है 0, 8, एक्स है 0 और y 8, तो ये वर्टेक्स सी आ गया। और फिर वर्टेक्स सी है 8, वर्टेक्स सॉरी सी था 0, 8 और वर्टेक्स बी आपके पास है 8, 4, तो ये देखिए कि एक्स आपके पास 8 है, वाई 4 है, तो ये वर्टेक्स बी आ गया, ठीक है। अब हमने इन सब के डिस्टेंस निकालने हैं फॉर द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और ये होता है डिस्टेंस फार्मूला √x2 − x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब जब हम ए बी निकालेंगे तो देखिए ए हमारे पास एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू वाई टू है। तो अब देखिए ए बी एक्स टू हमारे पास 8 है, एक्स वन है 0, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू 4 है, वाई वन है 1, तो 4 माइनस 1। अब 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 64 प्लस 9 ये हमारे पास आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 73 यूनिट। अब हम निकालेंगे और बी सी। अब बी सी हमारे पास 8,4 है एक्स वन वाई वन, सी हमारे पास 0,8 है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अब बी सी देखिए एक्स टू 0 है, एक्स वन -8 है, फिर वाई टू 8 है, फिर माइनस फॉर्मूले का वाई वन 4 है। ठीक है, अब 0 -8 आ जाएगा, -8 का होल स्क्वायर, 8 -4 4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 होगा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 16 18, 80 आ गया। और 80 को हम 16 × 5 लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4√5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वापस आ गया सी बी 4√5 यूनिट्स। अब देखें फॉर सी ए, और देखिए जब हम सी ए फाइंड करेंगे, एक्स वन हमारे पास देखिए सी 0,8, एक्स वन वाई वन है, और ए हमारे पास 0,1 है, एक्स टू कॉमा वाई टू। तो देखिए सी ए एक्स टू हमारे पास आ जाएगा 0, एक्स वन भी 0 है, फिर होली स्क्वायर, फिर वाई टू 1 है, वाई वन 8 है, तो 1 - 8 का होली स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0 - 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49। तो सी ए और स्क्वायर रूट 49, और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 7। अब आप देख रहे हैं कि तमाम साइड्स डिफरेंट आ रही है, लेकिन ए बी हमारे पास आया स्क्वायर रूट 73। ठीक है, बी सी हमारे पास आया है 4√5, और सी ए हमारे पास आया 7। तो ये तमाम साइड्स डिफरेंट है, इस वजह से ये आपके पास हो गया स्केलर ट्राइंगल। अच्छा, अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना। देखिए पेरीमीटर में आपको याद होगा कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर इज इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी स्क्वायर रूट 73 है, बी सी स्क्वायर रूट 80 है, सी ए 7 है। अब देखिए 73 का स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास 8.54, 80 का स्क्वायर रूट 8.94, और प्लस 7, इन सबको जब हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर हमारे पास आएगा 24.48। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 5 आपके पास है। अब पॉइंट्स आपके पास ये हैं कि -1, -1, -1,5 एंड 4,2। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं बना रहे, तो पहले हम इनको पॉइंट्स को नाम दे दिया, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। इन तीनों पॉइंट्स को हमने वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी का नाम दे दिया। अब देखिए जो पहला वर्टेक्स आपके पास है वो आपके पास है -1, -1,-1। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखें देखिए -1,1 जो आपके पास पहला पॉइंट है, देखिए वो हमारे पास आएगा एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट आपके पास के यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको ट्राइंगल बनाएंगे। और वर्टेक्स सी आपके पास है 4,2। ठीक है, ये ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, वर्टेक्स ए देखिए आपके पास है -1,1 है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और वर्टेक्स बी है -1,5, एक्स -1 वाई 5 है सेकंड कोऑर्डिनेट, और जो वर्टेक्स सी है 4,2, एक्स देखिए एक्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो 4,2 हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब हमने चेक करना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है, तो इसके लिए लेंथ निकालेंगे।
वो लेंथ ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही है कि स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। अब ए हमारे पास एक्स वन वाई वन है, बी हमारे पास एक्स टू वाई टू है। अब देखिए एक्स टू हमारे पास माइनस वन है, फिर एक्स वन ये माइनस फार्मूले का एक्स वन है माइनस वन, फिर वाई टू फाइव है माइनस वाई वन माइनस फाइव। तो देखिए ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये फाइव, और ये भी माइनस माइनस प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, फाइव प्लस वन 36, फाइव प्लस वन आ जाएगा सिक्स, और सिक्स का स्क्वायर 36, तो स्क्वायर रूट 36 आ गया। तो ए भी हमारे पास आ जाएगा, देखें सिक्स यूनिट्स हमारे पास आ गया ए बी। अब बी सी, बी हमारे पास एक्स वन वाई वन है, सी हमारे पास एक्स टू वाई टू है। अब देखें बी सी आ जाएगा एक्स टू फोर है, फिर माइनस फार्मूले का एक्स वन माइनस वन है और होल स्क्वायर, वाई टू टू है, फिर माइनस वाई वन फाइव है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये टू माइनस फाइव माइनस थ्री, और फोर प्लस वन फाइव का स्क्वायर, और माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और फाइव का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 9 34, ये हमारे पास बी सी आ जाएगा स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास है सी ए, तो सी हमारे पास 4.2 है, ए हमारे पास माइनस वन कॉमा माइनस वन है, सी एक्स वन वाई वन और ए एक्स टू वाई टू। अब जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे कि एक्स टू माइनस वन है, फिर फॉर्मूले का माइनस और एक्स वन फोर है, फिर वाई टू माइनस वन है और वाई वन आपके पास है टू, ये माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस फाइव का स्क्वायर 25, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो 25 प्लस नाइन आ गया 34। तो सी ए हमारे पास आ गया देखें स्क्वायर टू 34। तो अब आप देख रहे हैं कि दो साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, ठीक है ना। देखिए बी सी सी ए बराबर है स्क्वायर रूट 34, तो जब दो साइड सेम आए, सेम आती है तो ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस। अब हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर सम ऑफ होल साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी 6 है, बी सी स्क्वायर रूट 34 है और सी ए भी स्क्वायर रूट 34 है। 34 का स्क्वायर रूट 5.83 आ गया, और 35 का स्क्वायर 5.83। इन सब को जब हमने ऐड कर दिया, देखिए ये वापस आ जाएगा 17.66 यूनिट्स। तो ये वापस आ गया इसका आंसर। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है। अब ये तीन पॉइंट्स आपके पास हैं कि 1.2, 7.2 एंड 7.8। अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको नाम दे दिया कि लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब डायग्राम बना दी, देखिए पहला ए है 1.2, यानी एक्स प्लस का 1 है और वाई 2 है, तो ये 1.2 आ जाएगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर बी 7.2 है, यानी एक्स 7 है और वाई 2 है, तो ये आ गया बी। और फिर सी 7.8 है, एक्स 7 है वाई एट है, तो यहाँ पर सी आ गया 7.8। अब हमने इन सब की साइड्स की लेंथ निकाली और चेक करना है कि ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है। तो फॉर द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया। देखिए डिस्टेंस फार्मूला ये होता है स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे फॉर ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन आ गए, बी के एक्स टू वाई टू आ गए। तो जब हम ए बी निकालेंगे, देखिए एक्स टू सेवन, एक्स टू सेवन है और एक्स वन वन है, सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर, और वाई टू टू है और वाई वन भी वन टू है, तो टू माइनस टू का होल स्क्वायर, तो सेवन माइनस वन आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर, टू माइनस टू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो सिक्स का स्क्वायर 36, और 36 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा सिक्स, तो ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा सिक्स यूनिट्स।
अब हम निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी हमारे पास है, बी हमारे पास एक्स वन वाई वन और सी एक्स टू वाई टू। तो बी सी देखिए आ जाएगा, एक्स टू 7 है, एक्स वन भी 7 है होल स्क्वायर, फिर वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू 8 है, वाई वन 2 है। 8 माइनस 2 7, -7 0, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, तो बी सी आ जाएगा 6 यूनिट्स। देखिए ए बी भी 6 आ रहा है, बी सी भी 6 आ रहा है। अब सी ए यानी ये आइसोसेलेस तो बन गई है, सी ए तो सी एक्स वन वाई वन है और ए एक्स टू वाई टू है। जब सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए एक्स टू 1 है, फिर माइनस एक्स वन है 7 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू 2 है, वाई वन है 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 36 72, तो सी ए हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 72। तो पहले स्टेप में तो सिंस ए बी और बी सी आर है 6, इसका मतलब ये कि ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ना पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। पैथागोरस थ्योरम आपको याद है कि ये होता है, पैथागोरस थ्योरम देखिए आपके पास ये होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस दे दिया सी ए, बेस आपके पास ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 72 था, ए बी 6 था, बी सी भी 6 था, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, ये 72 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ये 72 और 36 प्लस 36 72। अगर ये दोनों साइड्स आ रही हैं सेम, तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आल्सो फॉर्म अ राइट एंगल ट्राई एंगल, तो ये भी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब नौ पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको याद है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी मतलब 6 है, बी सी 6 है, सी ए 72 है, तो 6 प्लस 6 12 आ गया, 72 का पे 36 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब अगर आप यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।